दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार वर्तमान समय की क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, आप सभी को पता है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 का घोषित किया जा चुका है। सबसे बड़ी समस्या ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी को छोड़ अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उनके साथ लगातार लोग फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप उनके फेवर में कतई ना जाएं जिन्हें आपको लगता है कि जैसे सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, ऐसे से लाखों हजारों की संख्या में लोग होंगे, ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन आपके साथ किस तरह से पेश आता है, देखना ये होता है ना। अब यहां देखिए, मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, मेरे पास इसके संदर्भ में 100% कॉल आएगा, ये मुझे पता है। कॉल क्यों आता है? क्योंकि वो मुझसे डायरेक्टली कहते हैं कि भैया आप हर चीज बच्चों को बता दे रहे हैं, तो जो हम लोगों का व्यवसाय है कहा जाए या रोजी रोटी है वो कैसे काम क्या होगा, ठीक है, इसके संदर्भ में मेरे पास कॉल जरूर आएगा। देख सकते हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो रहे फ्रॉड का शिकार। अब कैसे फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, अभी आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूं। अच्छा, जब आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था तो मैंने आपसे कहा था, ये मैं जिक्र 2 दिन से लगातार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको एक जो विश्वास नहीं होता है वो आपके विश्वास जीता जा सके, ठीक है यार। मैंने जितने ऑथेंटिक चीजें आपको मैंने दिया है, शायद उतनी प्रमाणिक चीजें कोई आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था 13 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ठीक है। दूसरा जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से नोटिफिकेशन है वो आपका 12 तारीख को घोषित होगा, ठीक है। और इस चीज के बारे में जब 12, अभी पहला नोटिफिकेशन तो आपने देख ही लिया है, ठीक है, जो कि मैंने हाईएस्ट 13 तारीख की डेट दिया था, 12 तारीख को आपका ऑफिशियल आ जाएगा, है ना, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं। बहरहाल उन चीजों को छोड़िए, लेकिन सवाल आप जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिरकार ये चीजें आपने क्या लिखा है। और आप सभी को पता है आपके यहाँ जो एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी वो 2,33,350 सीटों पर आपका जो एडमिशन है वो होना सुनिश्चित हुआ है। अभी ध्यान दीजिएगा, जो ऑफिशियल नोटिस है परीक्षा नामक प्राधिकारी का वो नहीं आया है। हमने आपको सुबह वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया था कि जो ये सीट आपके बीच में बताई जा रही है, ये सीटों में अभी फिलहाल के लिए घटोत्तरी भी हो सकती है, बढ़ोत्तरी भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस लागू होंगे, है ना। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 2023 का आंकड़ा है, जो कि इसके पहले वाले सत्र में है ना। अब आप कह रहे थे कि भैया हमारा आय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र व ईडब्ल्यूएस के बारे में आप हमसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कब का होना चाहिए, ठीक है। और यहां देखिए मेरिट की सच्चाई क्या है। मैंने आपको सुबह जब वीडियो दिया था भैया, तो हमने मेरिट के बारे में थोड़ा सा फोकस किया था कि आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट होती है, ठीक है, सिर्फ इन्हें को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। आप मुझसे पूछ रहे थे कि कितना मेरिट जाएगा, हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मेरिट कम बताने वाले भी मिलेंगे, ज्यादा बताने वाले भी मिलेंगे, लेकिन दोनों के रेशियो की अगर हम बात करें, जैसे हम तो आपको कह सकते हैं कि आपके 195 मेरिट है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हमारे कहने से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो पीएनपी की मेरिट जाती है, हमें मेरिट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ऐसा नहीं कि हमें आपको संतुष्ट करना है। मैं संतुष्ट करने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी मेरिट 195 जाएगी, लेकिन अगर नहीं गई तो जो एक विश्वास होता है, जो हमने आपके ऊपर विश्वास बनाया है, वो विश्वास नहीं बन पाएगा। आप कहेंगे खो फलनवा को कोई ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, यही कहकर चैनल से हट जाएंगे, है ना। तो ये काम मुझे नहीं करना है। जो चीजें फैक्ट आपको बुरा भले लगे, मैं मेरिट जो बताऊंगा आपको बुरा भले लगेगा, लेकिन मैं सही बताने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपको संतुष्ट करना ये मेरा परम कर्तव्य नहीं है। आपके बीच में अगर हम न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सही न्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, यहां आपको पता है हमारे यहाँ अदर स्टेट एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको अगर एडमिशन चाहिए, ठीक है, मैं दावा कर रहा हूं
आपके साथ एक रुपए का फ्रॉड मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। अगर मेरे माध्यम से आपका एडमिशन है तो कोई बात नहीं, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। बाकी अदर के साथ तो मुझे नहीं पता आपके साथ कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए कुछ इसके संदर्भ में सूचनाएं हैं, आप सबसे पहले उन चीजों को देख लीजिए, बाकी चीजों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है यूपीएससी अब डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। 2024 सत्र से देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण के दाखिले के वर्तमान अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास होना जरूरी है और सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के डीएलएड प्रवेश को लेकर पूछताछ हुई है, ठीक है। हालांकि ये जो न्यूज है ये पहले की जो है बताई जा रही है। कार्यालय ने भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दाखिला देने में कोई अड़चन नहीं जताई है। इसका कारण यह भी है कि यूपी के प्रसिद्ध स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यहाँ का निवासी होना अनिवार्यता नहीं रह गई है। 69,000 ये शिक्षक भर्ती के बारे में आपको पता है। अब यहाँ थोड़ा सा आप इस कॉलम को देखिएगा, पिछले साल का आंकड़ा आपके बीच में दिया जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती बीएड को अमान्य करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डीएलएड की जो है 70,100 सीटें खाली रह गई थी। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी 10,600, 2,974 निजी कॉलेजों में 222,750 यानी कुल 233,350 सीटों पर 336,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 163,200 जो है 50 अभ्यर्थियों ने ही जो है प्रवेश लिया था, है ना। यहां पर इस कटिंग को आपने बखूबी देख लिया। अब यहां सवाल आप मुझसे जरूर करना चाहेंगे कि भैया आखिरकार जो है अब अदर स्टेट के अभ्यर्थी फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। लोग आपसे कह क्या रहे हैं कि भैया अगर आप यूपी के निवासी हैं, ठीक है, तो हम आपका 50,000 में करवाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के निवासी हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं, तो आपका 60,000 लगेगा। यार ये बताइए हमें, क्या यूपी और अदर स्टेट में जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी वो कोई डिफरेंस दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि इनका 50,000 उनका 60,000, ठीक है। ये चीजें पूरी तरह से निराधार है। ये एक आंकड़ा मैंने 50,000 60,000 का बताया है, ठीक है। कहीं पर 80,000 भी लोग ले रहे हैं, कहीं पर 70,000 लोग ले रहे हैं, इस तरह से फीसें आपको ले रहे हैं, है ना। और भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ ही एडमिशन करवाइए, ठीक है। हम ही आपका एडमिशन करवाएं तभी आपके लिए बेहतर है। आप अपने हिसाब से एडमिशन देख लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपने चक्कर में आपको इसके बारे में बता रहा हूं, नो। ये चीजें अगर आपके दिमाग में हो तो निकाल दीजिएगा, ठीक है। आप किसी से भी एडमिशन करवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट जो हम जिस उद्देश्य से इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपके साथ फ्रॉड ना हो, ये मेरा परम उद्देश्य है, ठीक है। बाकी आप कैसे एडमिशन लेते हैं, किसके साथ कराते हैं, क्या करते हैं, ये आपका जिम्मेदार है, ये आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। चलिए यहां देखिए, 233,350 सीटें हैं। अभी सीटों में सीटें की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। और यहां आप जो हमसे पूछ रहे थे कि भैया हमारा आय जात निवास कब का होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, आय जात निवास के संदर्भ में जब हम आपको ऑफिशियल नोटिस बता रहे थे, तो उस ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग कहा गया था कि आपका जो आय जात निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आवेदन की डेट से आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भैया 100, 200, 300 के चक्कर में, ठीक है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि हमने पिछले अभी 5-6 महीना पहले बनवाया, वैसे आपका वैलिड ऐसा नहीं, वो वैलिड नहीं है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है आप 300 के चक्कर में, ठीक है, आप गलत ना करिए, आप नया बनवा लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि नहीं आप नया ही बनवाइए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नया बनवा सकते हैं, नहीं भी बनवा सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर, आप इसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है। मेरा जहां तक मानना है अगर आप नया बनवा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप इसके उत्तरदायी खुद होंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अब यहां देखिए, सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है मेरिट का। देखिए मेरिट की सच्चाई क्या है, सिर्फ इन्हीं को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए हम अगर आपके बीच में कहें तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे हम हटाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसके संदर्भ में आपसे कहें तो हम आपको लेकर चलते हैं इधर। देखिएगा अगर हम जनरल की बात करें, ठीक है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गए और एसटी हो गए, और आप यहां देख लीजिए ईडब्ल्यूएस हो गए, ठीक है। तो हमने आपके बीच में यही बताया था कि भैया जनरल की मेरिट लगभग ये मानकर चलिएगा 230 से 235 जाएगी, ठीक है। कितना जाएगा?
230 से 235 हमने आपके बीच में बताया था, ठीक है। और ओबीसी की मेरिट ये मानकर चलिएगा कि 225 से 230 के आसपास में ये रहेगी, ठीक है। एससी की मेरिट ये मानकर चलिएगा कि 215 रहेगी। एसटी की मेरिट लगभग 200 के आसपास में मानकर चलेगा, और ईडब्ल्यूएस की मेरिट आप इनके अनुसार ओबीसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। इसी के आसपास आपके मेरिट रहेगी। बाकी आप मुझे इसके संदर्भ में ये कटाक्ष भी करेंगे, ये मुझे पता है, थोड़ा सा हम आपको सांत्वना देना चाहेंगे, ठीक है। देखिए, वैसे जहां तक मेरा मानना है, हम आपको सांत्वना तो दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी मेरिट जो है वो 195 जाएगी, अब इससे आप संतुष्ट होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी अगर कोई भी टीचर होगा, मैं अपनी ही बात नहीं करूंगा, ठीक है, मेरा ये उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आपको कोई चीज गलत बताऊं। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, ठीक है, पिछले 2023 का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरिट एग्जैक्टली कितनी जाती है, ठीक है, तो आप बेहतर ढंग से जो है समझ जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको संतुष्ट कर दें, हम कह दें कि 195 है, आप वही मान लीजिए, लेकिन ये चीजें गलत है, ठीक है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। बट अगर आप मानते हैं, कोई और कह रहा है, ठीक है, लोग आपको 210 कह रहे हैं, ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं आपसे, अगर 210 मेरिट आपके पहले राउंड काउंसलिंग में चली गई तो आप मुझसे बताइएगा, ठीक है। इस बात का दावा है कि 230 के आसपास में पहले चरण में आपके 230 से अपर में ही रहेगी आपकी मेरिट, ठीक है, इससे कम आपकी मेरिट नहीं जाएगी, है ना। बाकी आप समझिएगा, जब सब कुछ आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में सच्चाई क्या थी, है ना यार। कोई चीजें अगर आपके बीच में हम बता रहे हैं तो आप मानकर चलेगा 99% वो सही है, बिल्कुल प्रमाणित न्यूज जो है हम आपको देते हैं, ठीक है। यहां से कोई फ्रॉड नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम आपके कंटेंट पर ध्यान देते हैं, क्या है कैसे है, बस आपको अगर संतुष्ट करना है तो भाई वो अलग का मामला है। बाकी अगर आपको अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर कम फीस में एडमिशन चाहिए तो आप संपर्क करिएगा 94 52, यहाँ 33 10 53। एक शिकायत मेरे पास आ रही है कि भैया यहाँ 33 ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नंबर में लिख देता हूँ 33 है, ठीक है। और भी लोगों के कॉल्स किसी और के साथ चले जा रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल आप 33 है बीच में समझ लीजिएगा, ठीक है। 94 52 33 यानी 33 जो है 10 53 आपका है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। बाकी इसके संदर्भ में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, हम ऑफिशियल नोटिस पर फिर से चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।